जसपुर जिले की राजनीति उफान पर है, जहां भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय हैं, तो वहीं आप पार्टी से लियोस मिंज हैं और कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। फिर भी जनता को भरोसा है कि टिकट मिलेगा तो यूडी मिंज को ही। आज जौहर छत्तीसगढ़ टीम ने कुनकुरी विधानसभा के नारायणपुर ग्राम के बाजार में जाकर चुनावी माहौल देखना चाहा और जनता की राय भी जाननी चाहिए कि आखिर में नारायणपुर की जनता के मन में क्या है, और इस क्षेत्र की जनता बताएगी कि नारायणपुर में भाजपा ने अच्छा काम किया या कांग्रेस ने। ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। पूरी विधानसभा के नारायणपुर ग्राम, जहां अभी बाजार लगा हुआ है, ग्रामीण आए हुए हैं, हम बात करते हैं 15 साल वर्सेस 5 साल। 15 साल भाजपा ने राज किया और 5 साल कांग्रेस ने राज किया। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाजपा के प्रत्याशी विष्णुदेव साय एवं अभी तक कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है, नाम किसका आएगा ये बता नहीं सकते, और आप पार्टी से लियोस मिंज हैं, लेकिन देखते हैं ग्रामीण की पसंद क्या है, ग्रामीण क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। जी आप बताएं किसको वोट देना पसंद करेंगे इस बार? अभी तो फिलहाल अच्छा काम किया है यूडी ने, जो दोनों समाज के लिए पहले 15 साल और भाजपा ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इस बार यूडी मिंज ने समुदाय वोट दिया है तो हमने उन्हीं को देंगे। जी इनका कहना है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम डोम समाज से हैं, हमको सामुदायिक भवन और कोई भी सुविधाएं विधायक यूडी मिंज के द्वारा, पूर्व विधायक यूडी मिंज के द्वारा दी गई है। लेकिन आइए बात करते हैं भाजपा के कद्दावर नेता संतोष साहे जी से, उनसे बात करते हैं कि नारायणपुर क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या देन है इस क्षेत्र को? जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार 15 साल रहा, 15 साल में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां विकास का कार्य नहीं हुआ। सीसी रोड हो, पुल पुलिया हो, सामुदायिक भवन हो, ये रोड हो, ये हस्तिनापुर का पुलिया हो, इधर का पुलिया हो, और सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। जी बताइए नारायणपुर क्षेत्र में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया? कुछ नहीं किया है जी, कुछ नहीं किया है। बुढ़ा का कोई काम किया है? हा? जी बुजुर्ग से बात है, ये इनका कहना है कि अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन हम बात करते हैं सुनील राय जी से। जी बताइए अभी तक भारतीय जनता पार्टी नारायणपुर क्षेत्र में क्या क्या काम की है? भारतीय जनता पार्टी नारायणपुर क्षेत्र में काफी बेहतरीन, पिछले जो 15 साल अमन सिंह की जब राज थी, यहाँ पे जब सांसद विष्णुदेव साय जी हुआ करते थे, यहाँ पे 4 महीना बरसात में रास्ता बंद हो जाया करता था। 1997-98 में विष्णु साय जी ने पक्का सड़क लेके आए और उसके बाद में फिर आवागमन के पूरे 12 माह यहाँ पर सुविधा हुई। तो जो विकास जो देखते हैं 15 साल भारतीय जनता पार्टी के समय का, तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में विकास नहीं हुआ है? कांग्रेस के समय में लक्ष्मण राम जी कच्ची सड़क लेके आए थे उससे पहले। अभी पिछले 5 साल की बात की जाए तो कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? पिछले जितने की मैं बताना चाहूंगा भाई साहब कि पिछले 5 सालों का जब इनका घोषणा पत्र जब इन चुनाव में आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे हम दिन दुगुना रात चौगुना करेंगे करके, मगर दिन दुगुना रात चौगुना में रात नशीली जरूर हो गया था इनका, और रात के नशे में जाके कहीं न कहीं जरूर पांडव और उपद्रव मचाने के काम किया करते थे। देखने को आपके मीडिया भाई लोग के पास में भी आया था, हर जगह आप लोगों ने देखा। विकास तो गए 5 साल में दिखा नहीं। अगर विकास की हम बात करें तो 15 सालों में माननीय विष्णुदेव साय जी के जो सांसद थे उस दौरान आपका ITI कॉलेज, आपका कॉलेज, आपका मिनी स्टेडियम, आपका भी बन रहा है स्टेडियम को बैडमिंटन का, और आपका नवोदय विद्यालय विष्णुदेव साय जी के द्वारा, और जितने ईब नदी जो शुरू होता था वो लास्ट स्टॉप में जो पड़ती थी वहां भी बड़े बड़े पुल बनाने का विष्णुदेव साय जी ने। इनका कहना है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस कोई भी काम नहीं कर पाई है। आइए आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमन शर्मा से। जी बताइए इस क्षेत्र में नारायणपुर ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या काम किया गया है? नारायणपुर क्षेत्र में मैं पहली बात आपके पीछे ही दिखाना चाहूंगा कि यहाँ सामुदायिक भवन बना हुआ है। सामुदायिक भवन विष्णुदेव साय जी का देन है, और गैस वितरण केंद्र यहाँ जो ग्रामीण गैस वितरण केंद्र है यहाँ नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। जो ग्रामीण जनता है जो गैस का यहाँ जिनको किल्लत होता था, जो कुनकुरी से गैस लेकर जाते थे, उनको यहाँ नारायणपुर बैठे गैस मिल रहा है आज, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस की बात आप कर लीजिए तो कांग्रेस की काम तो दिख रहा है कि जो टेंडर नहीं लगा है उस कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है।
कहने के भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ है, जो काम टेंडर नहीं लगा है उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। अगर ऐसा विकास आप दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को छलावा करना चाह रहे हैं, तो जनता सब समझदार है, सब जानती है जनता। आइए हम बात करते हैं ग्रामीण से। आज आप कौन सी पार्टी से हैं, किसको वोट देना चाहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? अच्छा, आप किसको वोट देना चाहेंगे, कौन सा आपको वोट देना चाहेंगे? कमल।